Let me clear one thing. Adventures are just like my family. Without them, my trips are incomplete. हमने एक और स्टॉप किया, इसका रीज़न ये है कि हमारी गाड़ी थोड़ी सी इंजन में से आवाज़ आ रही है, ये थोड़ी स्टार्ट सी आ रही है बट अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये एक परेशानी की बात है कि अगर हम किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ पे गाड़ी का इंजन या कुछ ख़राब हो सकता है। ख़राब हो सकती नहीं है भाई, ख़राब हो गई है। हमारी गाड़ी से आने लगी थी ख़तरनाक किस्म की आवाज़, अगर हम ज़्यादा चलाते तो इंजन सील भी हो सकता था। तो मैकेनिक ने बोला भाई आप अपनी गाड़ी छोड़ जाओ, और मेरे पास ये वाली पुरानी गाड़ी खड़ी हुई है, आप ये ले जाओ। चलने में और ये भागने में बिल्कुल एकदम ओके है बट थोड़ी पुरानी, आपको काम चलाना पड़ेगा। बट हमने कहा यार हमें ताल्लुक है अपनी मंजिल पे पहुंचने का। तो क्या मतलब, गाड़ी मिल गई एडवेंचर ख़त्म? अबे यार तुम लोग को पहले बोला है एडवेंचर आर जस्ट लाइक माई फैमिली, और फैमिली जान कैसे छोड़ती है। ब्रेक के साथ गुजारा करना। तो प्लान था ये, आपको नई गाड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी है आदि भाई। आपको इस गाड़ी से इस गाड़ी में ट्रांसफर होते कैसा लग रहा है? बस मुझे लग रहा है कि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हालत में मिलेगी इसके बाद। ऑल थैंक्स टू दिस भाई। इन भाई को भी इतना इजी नहीं लेना। अगर पाकिस्तान में फास्ट एंड फ्यूरियस बनी ना तो ये भाई भी ऑडिशन की कतार में नजर आएंगे। अभी सीन कुछ ये होगा कि यहाँ से हम सामान उठा के इसमें शिफ्ट करेंगे और अपनी मंजिल की तरफ वापस रवाना होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम काम ख़त्म करते हैं। इनकी वालदा मोहतरमा पता नहीं कहाँ पे गायब है। मेरे पास थोड़े पॉपकॉर्न पड़े थे, मुझे लगा पता नहीं है खाते हैं नहीं खाते, मैंने इन्हें डाले और इतने क्यूट तरीके से खा रहे हैं यार, इतना अच्छा लग रहा है। जस्ट फीड देम एंड सवाब कमाओ, मारा ना करो इन्हें प्लीज। ट्रैवलिंग में हर चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है बट टायर में हवा का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। We tried our best to take everything with us that we forget in the last trip. तो साथ भाई लास्ट टाइम की तरह हम लोग कोयले छोड़ना नहीं चाह रहे और कोयले ढूंढने जा रहे हैं। तो मतलब आप क्या कह रहे हो उस बारे में? बस इस दफ़ा बारबेक्यू का सामान है, इस दफ़ा हमारे पास सीखे भी हैं, तो हम ये नहीं चाह रहे कि हम कोयलों की वजह से बारबेक्यू ना कर सके, तो इसलिए कोयले इज कंपलसरी, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो साथ भाई फाइनली नहीं मिले कोयले। उन्होंने कहा कि आपने कुमराट जाना और कुमराट आपने पहुंचना सुबह, तो सुबह तक हमें कहीं से भी मिल सकते हैं। और ये कहीं से मिलने वाला चक्कर लास्ट टाइम भी था और हम लोगों ने कहीं से पकवा के कढ़ाई खाई थी फिर। तो भाईजान सीन कुछ ये हो गया है कि हम लोगों ने जाना था मोटरवे से और हम इस टाइम खड़े हुए हैं जीटी रोड पे, क्योंकि मोटरवे पे फोग बहुत ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से मोटरवे बंद कर दी और अब हम यूज़ करेंगे जीटी रोड का। अपनी डेस्टिनेशन पे सिर्फ पहुंचना चाहिए, चाहे जीटी रोड से जाएं या मोटरवे से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आफ्टर रात को अच्छी सी नैप लेने के बाद हम लोग वापस चकदरा पहुंच चुके हैं लाहौर से, और यहाँ पे भाई लोग सुबह सुबह क्या ढूंढने गए थे? कोयले। और इनको कोयले फिर नहीं मिले और हमें लग रहा है कि हमारा बारबेक्यू फिर रह जाएगा बट सीखे इस दफ़ा हमने रखी है, सिर्फ हमारे कोयले रह गए हैं। होप सो कोयले में मिल जाएंगे। और मौसम यहाँ की ठंड अखीर हुई हुई है, ग्लव्स मैंने पहने हुए हैं, बाल थोड़े से बिगड़े हुए हैं, इग्नोर करो। 4 टेम्परेचर है, हम -60 में जा रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं। लाला भाई का कहना है कि बस यहाँ तक ही गाड़ी आ सकती है यार, दिस इज बी नॉट कमिंग स्लो। बर्फ 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 यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। स्नोमैन असलान भाई कैसा लग रहा है? फुल मजे में। अभी थोड़ा सा बोर हुआ हूँ, नेक्स्ट टाइम अपनी गाड़ी पे आएंगे तो फिर बताऊंगा। आप आना चाहेंगे इनके साथ? बिल्कुल, मैं कहाँ हूँ। डोंट फॉरगेट, सियाणियाँ दी बड़ी चंगी कहावत है, सबर दा फल मिठा होंदा है। और अब हमें लग रहा है जो हम रात को 11 किलोमीटर गलत आ गए थे, हम बिल्कुल ठीक आ गए, क्योंकि अगर वो हम सही चल जाते तो कुमराड़ में हमने फंस जाना था और बहुत मसला आ सकता था। इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक्स टू गॉड, अल्लाह थैंक यू। व्हाट आर यू डूइंग? बस सॉक्स ना गीले हो, पाँव काम करते रहे। अगर आप लोग बर्फ़ में आते हो ना, अगर आपके शूज़ में पानी जाने का आपको डर होता है तो आप क्या करो, शूज़ उतारो, सॉक्स के ऊपर शापर बांधो और फिर शूज़ पहन लो, इससे आपकी सॉक्स गीली नहीं होगी, आई गारंटी। लेट मी शेयर सम नॉलेज विद यू गाइस। जितने भी घर इस पहाड़ पे नजर आ रहे हैं, इन घरों में कोई भी नहीं रहता ड्यू टू दिस स्नोफॉल। इस वीक कह रहे हैं सबसे कम स्नोफॉल हुई है, बट अगले वीक में थोड़ा सा ज्यादा स्नोफॉल स्टार्ट हो जानी है और इसलिए यहाँ पे रोजाना की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए लोग यहाँ से माइग्रेट करके नीचे चले गए और जब ठंड कम हो जाएगी, गर्मी आ जाएंगी, फिर ऊपर आ जाएंगे। तो जी सारा पैकअप हो गया, स्नोफॉल यहाँ पे नहीं हुई, बट एक हफ्ते की बची हुई ये बर्फ है। कैन यू इमेजिन दैट, एक हफ्ते तक बर्फ यहाँ पे इस तरह रहती है। इसको हम बर्फ ही कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड हुई थी और एक नाकाम कोशिश हमारी। ये कुछ देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्नोमैन बनाने की हमने कोशिश की थी बट अनफॉर्चुनेटली हम बना नहीं सके। अब करना है अपना सामान पैक और निकल रहे हैं हम वापस होटल के लिए। चल यार लगी है यार, ये सब ठीक काम कर रहे हैं? हाँ जी तो अभी मेरी ड्यूटी इन्होंने ये लगाई है कि मैं सीखों पे लगाऊंगा गोश्त, तो हाथ को लाल पीला कर लेते हैं। कितनी देर गाड़ी चला के आया हूं वो नहीं बताना। साथ भाई ने बहुत अच्छी ड्राइविंग किया यार, रिस्पेक्ट। बगैर ब्रेक्स के गाड़ी चलाई है, वाह। ये यही कर सकते हैं बस। मैं तो पूरी रात धूप में गाड़ी चलाता रहा वो। हाँ इन्होंने भी अच्छी गाड़ी। और ये देखिए क्या हो रहा है 18+ कॉन्टेंट। Day 3, गुड मॉर्निंग। पीछे गाड़ी स्टार्ट हो रही है और सुबह के 7 बज रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ के व्यू कुछ ऐसे हैं कि हमारा वापस जाने को दिल नहीं कर रहा, बट क्या करें, टाइम की लिमिटेशन है और बस यही हालात हैं। तेमर ग्राम में हमारी गाड़ी जो ख़राब हुई थी, हम ठीक करने के लिए दी हुई है, वापस उधर जा रहे हैं, गाड़ी पकड़ेंगे और वापस। सो चलते हैं। गुड बाय कुमराट। अपन को एडवेंचर का बड़ा शौक था, मौत को चूके टक से वापस आने का। शायद इन ट्रिप्स में वही शौक पूरे हो रहे हैं।